मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रि प्रश्नों की सीरीज के बारे में भूगोल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुरेखाचित्र किससे कहते हैं। बहुरेखाचित्र किससे कहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स का उत्तर क्या हो जाएगा, वह रेखा ग्राफ जिसमें दो या दो से अधिक चरों को तत्काल तुलना के लिए रेखाओं के बराबर संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों को तत्काल तुलना के लिए रेखाओं के बराबर संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, बहुरेखाचित्र कहलाता है। जैसे राज्यों या देशों की जन्म दर की बात हो गई, या वहाँ की मृत्यु दर की बात हो गई, या दो से अधिक जो राज्यों के लिंगानुपात की बात हो गई ना, तथा चावल गेहूं एवं दालों की वृद्धि दर की बात हो गई, तो इन सभी लोगों को जो क्या होता है, तुलना जो करते हैं हम लोग इन दोनों राज्यों की, इन दोनों देशों की, तो इनको कैसे हम लोग दिखाते हैं, तत्काल तुलना जो दिखाते हैं इनके मध्य में रेखाओं के बराबर संख्या द्वारा इनको दर्शाया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुरेखा चित्र। बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की ओर। थीमेटिक मानचित्र क्या है, थीमेटिक मानचित्र क्या है, वे मानचित्र जिनका निर्माण मानचित्र की विविधता, प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूपों अथवा इन स्थानों पर विविधताओं की विशेषताओं को समझने के लिए किया जाता है, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं, इन्हें वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, वे मानचित्र जिनका निर्माण क्या करते हैं, मानचित्र की विविधता को ध्यान में रखते हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, विविधताओं को समझने की विशेषताओं को समझने के लिए जो मानचित्र तैयार किया जाता है उन्हें हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, इन्हें वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस समय लगभग सुबह के लगभग 3 या 3:15 बज रहे हैं, और इसमें भी देखिए 5-6 महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे, उसको बना कर आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसे भी एक नज़र आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं लगभग रात्रि को जो 10:30 से 11 बजे के बीच में आप लोगों को एक बनाया हुआ था वीडियो, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि मैप वर्क के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स, उसको देख लीजिएगा। और ये जो सुबह के लगभग 3:30 बज रहा है, तो ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य चल रहा है महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसको डियर फ्रेंड्स देख लीजिएगा, क्योंकि समय के अभाव में उस पर काम नहीं हो पाया, तो अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा जो पूछे गए होंगे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हार्डवेयर के 4 भागों के नाम बताइए। तो पहला डिवीजन क्या होता है, केंद्रीय प्रक्रम इकाई जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, तथा भंडारण तंत्र। दूसरा क्या हो जाता है, आल एक ही प्रदर्शन उपतंत्र जिसे हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है, निवेशी साधन जिनको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, बहिर्वेशी होता है साधन जिसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड सीपीयू जो होता है, ये मुख्य रूप से हार्डवेयर के 4 भागों के नाम हो जाएंगे। चौथे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रक्रमण इकाई जिसे हम लोग सीपीयू भी कहते हैं, केंद्रीय मस्तिष्क कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कंपिटेटिव एग्जामों में भी आपका बहुत तेज पूछा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क कहते हैं, और सीपीयू का पूरा नाम जो होता है क्या होता है, केंद्रीय प्रक्रम इकाई होता है। ठीक है, बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स 5वें प्रश्न की और, 3 प्रमुख केंद्रीय प्रवृत्तियों के नाम बताइए। देखिए 3 प्रमुख केंद्रीय प्रवृत्तियां जो होती हैं वो माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है। तो इसे माध्य बना लीजिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो क्या होता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका - 2 माध्य, फार्मूला होता है ना, 3 माध्यिका - 2 माध्य, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन होता है, ये एक फार्मूला होता है निकालने वाला। और माध्य, माध्यिका और बहुलक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनको मैंने आप लोग को समझा समझा रखा है, इसके जो बेसिक फार्मूले हैं उसको आप लोग याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बेस पर भी कभी कभी आपके सवाल माध्य, माध्यिका और बहुलक के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको जो बेसिक है उनको देख लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 5 प्रश्न अति लघु के, इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दीजिए, भूगोल का आज का आप लोगों का पेपर बेहतर तरीके से जाए और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखकर पेपर जैसा रहेगा बताइएगा, फिर आप लोगों के जो अदर सब्जेक्ट रहेंगे उन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होगा वो प्रारंभ होगा। तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को समाप्त करते करते मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे डियर फ्रेंड्स, देखिए आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में पूछ सकता है कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और
पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए आपका दीर्घोत्तरीन पूछा जा सकता है पर्यटन से संबंधित आपका, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है डिस्टेंस, इसके अथवा हमें प्रवास के परिणामों को सविस्तार समझाइए। ठीक है, प्रवास क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसकी अनिवार्यता क्या है, या तो इसकी विगुण क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके अवगुण क्या हैं। तो प्रवास के परिणामों को सविस्तार क्या करना है, समझाना है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी में हो गया। तो इन प्रश्नों को मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ आप लोग को, इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा जैसे डिस्टेंस। और अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तो मानव विकास सूचकांक की गणना किस कैसे होती है, डिस्टेंस देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। क्या मैंने प्रश्न बताया आप लोगों को, मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है, समझाइए। तो मानव विकास की जो होती है, मानव विकास की क्या किया जाता है, मानव विकास के बारे में, तो मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे करते हैं, इसको हम लोग को समझाना है। तो दीर्घ उत्तरी में आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर आप और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में लोग बात करें, तो देखिए आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आधुनिक कृषि क्यों ज़रूरी है, कैसे किया जाता है, या उसकी क्या प्रमुख विशेषताएँ कि जिसके बेस पर आधुनिक कृषि की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को भी एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर उसके अलावा हम लोग बात करें, तो देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है ये, डिस्टेंस को देख लीजिएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, बताइए। जनसंख्या वृद्धि का उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, डिस्टेंस सुन लीजिए ध्यान से, इसको दीर्घ उत्तरी में है आपका यह प्रश्न। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि का उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है डिस्टेंस, ये है आपका इंपॉर्टेंट। जल संभरपन, देखिए जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणामों को बताइए। ये देखिए आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जल संभर प्रबंधन प्रक्रिया तो जाहिर रहते हैं ना कि फसलों की मतलब जलों की आपूर्ति के लिए बनाया गया था जो प्रबंधन ना व्यवस्थाएं बनाई गई थी। तो डिवीजन से आपका हो जाएगा। अगर और भी यदि आप जानना चाहते हैं, आपके पास अगर एक नजर है, आप इन सभी प्रश्नों को पढ़े भी होंगे डिवीजन दीर्घ उत्तरी में, तो दीर्घ उत्तरी में मैं आपको एक दो प्रश्न और बता दे रहा हूँ। जैसे मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये भी जो है आपका वो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में पूछा जा सकता है, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रवास का लिखे डिस्टन जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के प्रकार तथा परिणामों का वर्णन की, देखिए मैंने दो बार इस प्रश्न के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, डिस्टन जरूर है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के प्रकार तथा परिणामों की व्याख्या वर्णन कीजिए, इन प्रश्न को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में देखिए नगरों के विकास कार्यक्रमों को सविस्तार होता है ये, तो नगरीकरण क्या होता है या तो ग्रामीणीकरण क्या होता है, तो इन दोनों ही प्रश्नों को देखिए इंपॉर्टेंट एडियोसन। तो नगरीकरण क्या है, ये जो इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, विकास कार्यक्रम के लिए नगरों के और शहरों के विकास कार्यक्रम के लिए क्या क्या जो मुख्य रूप से कदम उठाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो एडियोसन इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग, ये सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरी में जितने भी मैंने प्रश्न के डायरेक्शन आप लोगों से बात की हुई, क्योंकि देखिए लिख पाना बना पाना बड़ा दुर्लभ है, अब तो जान ही रहे हैं कि आप लोग को 3 से 4 घंटे के बाद आपको तो ये मारने में, मैं तो वो तो समझ लीजिए कि नींद खुल गई, कि मैं आप लोगों को जो मैटर रखा हुआ था रात में बनाने के लिए, तो उसको मैंने आप लोग को बनाकर आपको उपलब्ध करा दिया। उसके अलावा मानचित्र का जो कार्य है उसको देख लीजिएगा। तो ये सभी जो प्रश्न मैंने दीर्घ उत्तरी में बताया डायरेक्शन, उसको एक बार सुन लीजिएगा और उसको एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ, तो तैयार रहिएगा ट्यूशन्स क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, और रेगुलर अपने क्लासेस को करते रहिए और चपकर स्टडी कीजिए और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। तो ठीक है ट्यूशन्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने, आप लोग जाइए एग्ज़ाम देकर आइए, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, बढ़िया लिखिए, अच्छा खासा लिखिए, और लिखने के कैसे तरीके हैं मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही इस पर वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।